बिसमिल्ल रही एस्ट्रामिकल स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट से रिलेटेड पढ़ा था आज के लेक्चर में हम सेट नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे सेट नोटेशन मतलब सेट को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं सेट को हम कितने मेथड से लिख सकते हैं सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेट में बी रिटर्न इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशन एक सेट को हम थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं और उसको हम नोटेशन कहते हैं नोटेशन मतलब अलामत फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटर्न एज सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसको हम सेट में कैसे डिनोट करते हैं सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टेटमेंट फॉर्म में जब हम किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी इक्वेशन को या किसी भी सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में बयान करते हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहते हैं ये जो अभी हमने एग्जांपल लिखी है सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की है द अबाव फॉर्म इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव नोटेशन ग्रीन बॉक्स में डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइबड डिस्क्रिप्टिव नोटेशन डिस्क्रिप्टिव से ही जाहिर है डिस्क्राइब करना बयान करना तो जो बयानिया नोटेशन होगी उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे बयान करेंगे स्टेटमेंट को हम बयान करना ही कहते हैं तो यहाँ पे द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स स्टेटमेंट फॉर्म को हमेशा हम सिंपल लिखते हैं इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में शो नहीं करते द सेम सेट कैन बी रिटन एज अ वही एग्जांपल जो हमने लिखी थी सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम इसको लेटर्स की फॉर्म में लिखना चाहें इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें तो ऐसे लिखेंगे सेट ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू ये फाइव लेटर्स जो होते हैं हमारे पास वॉवल्स होते हैं इनको हम से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में इनको शो करेंगे तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इस फॉर्म को हम टेबुलर नोटेशन कहते हैं टेबुलर का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में लिखना खाना जैसे हम बॉक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे टेबुलर नोटेशन। डेफिनेशन है टेबुलर नोटेशन में इन टेबुलर नोटेशन आल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन करली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास टेबुलर में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और इसको करली ब्रैकेट्स में क्लोज़ करेंगे और उसके अलावा इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे सिंपल जो सेट होता है ये उसी की तरह हम इसको लिखते हैं टेबुलर रोटेशन को हम रोस्टर रोटेशन भी कहते हैं इन रोस्ट टेबुलर फॉर्म आल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड सारे एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं इसमें हमने सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ इक्वल टू ए आई ओ यू इज़ एक टू वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबैट ये जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है इसको हमने अगर ट्रेबुलर फॉर्म में ट्रेबुलर नोटेशन में लिखना है और कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे तो इसके साथ हम सेट नहीं लिखेंगे इसके साथ जस्ट हमने वर्ल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबैट लिखना है वन देर आरिस्टि लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट जब सेट के अंदर लिमिटेड नंबर्स होते हैं तब हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में शो करेंगे जब हमारे पास लिमिटेड से ज़्यादा लार्ज नंबर्स होते हैं तब हम उसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में जैसे एग्जाम्पल दीजिए बी इज इक्वल टू ए बी सी सो सी इज़ इक्ल टू लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हेन देर आर लिमिटेड बट लार्ज नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट जब लार्ज एलिमेंट्स होंगे लिमिटेड होंगे तो हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके अलावा जब हमारे पास सेट इनफाइनाइट होता है तब हम उसको कैसे शो करते हैं सी इज़ इक्ल टू वन टू थ्री फोर सो ऑन और ये हमारे पास जो वन से नंबर स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं तो हम कल ब्रैकेट्स में जस्ट नेचुरल नंबर्स लिखेंगे वन देर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन द सेट उसके बाद सेट को सेट बिल्डर नोटेशन द सेट ए कैन आल्सो बी रिटर्न जो फर्स्ट हमने सेट पढ़ा था सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट पेज नंबर फोर पे, उसी को एग्जांपल में हम ऐसे अगर लिखें ए इज़ इक्वल टू एक्स सच देट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबैट ये जो दो डॉट्स दिए हुए हैं कॉलम दिए हुए हैं इसको हम पढ़ते हैं सच देट और इसको हम ब्रैकेट में जब क्लोज करेंगे तो इस फॉर्म को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर नोटेशन सेट बिल्डर बिल्डर सेट बिल्डर से मुराद क्या है कि हमने ये सेट ख़ुद बनाया है मतलब डिस्क्रिप्टिव नोटेशन से और टेबुलर नोटेशन से दोनों को मिलाने से हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन बनती है डेफिनेशन है इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अ रूल रूल की फॉर्म में जो हमारे पास सेट होगा उसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे द सेट इज़ रीड एस इस सेट को कैसे हम पढ़ सकते हैं ए इज सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट सच दैट जो कॉलन है हमारे पास उसकी जगह हम सच दैट लिखते हैं इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ द कॉलन सेम्बल एंड अदर दो डॉट्स की जगह हम एक लाइन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए इज़ यूज टू इंडिकेट सच दैट द सेट कैन बी रिटर्न एज ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस दैन नाइन कैन बी रिटर्न एज अब तीनों फॉर्म्स में हमने इसे एक एग्जाम्पल एक को लिखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस दैन नाइन नाइन से नाइन से लेस तब तो ये क्या होगी ए इज़ इक्ल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन नाइन इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे और ये होगी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन इसके बाद टेबुलर फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना है तो हम इसको लेटर्स की फॉर्म में नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लेस देन नाइन है तो लेस देन नाइन एट होगा और ये टेबुलर नोटेशन होगी नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन ए इज इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट एक्स लेस देन नाइन अब इसको हम मैथ की लैंग्वेज में हमने बिल्ड किया इसको इसको हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे कि लेस के लिए कौन सा साइन होता है एक्स सच दैट एक्स लेस देन नाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे दी है के सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर्स अप टू एटीन एटीन तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के लिए हम लिखेंगे सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर्स लेस दैन और इक्वल टू एट टेबुलर के लिए वन टू एटीन नेचुरल नंबर्स कॉमास से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको क्लोज करेंगे नेक्स्ट टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस दैन इक्वल टू अब यहाँ पे हमने वही साइन लिखना है लेस दैन इक्वल टू के लिए जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिखा था एक्स लेस दैन नाइन तो यहाँ लेस दैन इक्वल टू है तो हम इसको लिखेंगे एक्स लेस दैन इक्वल टू एटीन सो दैट्स ऑल इनशाला इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज थैंक